तो अगर आपको गर्मा गर्म पोहा खाना पसंद है और आप पोहे खाने के दीवाने हो तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों ये पोहे की खास बात है कि ये पोहा कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का प्रतीक है। साथ ही दोस्तों ये पोहे खाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और अपने साथ खा के पार्सल भी ले जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आखिर तक देखिए, ये वीडियो का लोकेशन हमने वीडियो में बताया है। साथ ही दोस्तों ये वीडियो देख के आपको मजा आएगा, तो वीडियो देखते रहिए। हमारे स्पाइसी नागपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन दबाइए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो का थीम श्री कृष्ण और सुदामा के दोस्ती के ऊपर डिपेंड है, तो हम कृष्ण और सुदामा से ही ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पोहे के स्टॉल पर लेके आए हैं जिनका नाम है सुदामाचे पोहे। दोस्तों तो आइए हम इनका लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी हम सुदामा के पोहे के स्टॉल पर है और आगे आपको ये शनिवारवाड़ा दिख रहा होगा। दोस्तों ये शनिवारवाड़ा की जो दीवार है बिल्कुल उसके पास ही ये सुदामा का पोहे का स्टॉल है। कुरकुरे पोहे ऐसे किती प्राइस है? ऐसे किती प्राइस है? कौन सा पोहा है? तर्री पोहा है। कौन से कौन से पोहे रहते आपके पास? नौ प्रकार। कौन से कौन से? सांबर पोहे, इंदौरी पोहे, कोकनी। और प्राइस कितना है इसका? 20 रुपए सभी। और टाइमिंग क्या रहता है भैया? 6 बजे खुलता है सवेरे और बंद कितने बजे होता है? 7:30 रात में। और कितने दिनों के भी आपको पोहे को? मेरे को हो गया 2 वर्ष। दो साल हो गए। सुदामा के पोहे के नाम से फेमस है आपको। और ये इसका एड्रेस क्या आएगा? शनिवारवाड़ा के पास। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको कुछ यूनिक और हटके एक्सपीरियंस करना है तो आप एक सुदामा के पोहे इनके स्टॉल पर आइए। दोस्तों यहाँ आपको हमेशा ही लोगों की भीड़ भाड़ दिखेगी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। साथ ही दोस्तों ये पोहे गर्म गर्म होने के साथ बहुत टेस्टी भी होते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पोहे का जो स्पेशल महत्व है वो भी बताया है, तो ये भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए। कौन सा पोहे फ्रेंड्स, अगर आपको ये सुदामा का पोहे वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ऐसे नागपुर, पुणे और अन्य जगह के स्ट्रीट फूड के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिए। साथ ही दोस्तों आपके अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे बेल बटन को भी प्रेस करना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।